Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh How are you students I hope you all are fine with good health May Allah save us from COVID-19 Ameen So class today our topic is multiplication Today we will learn about multiplication वट इज मल्टीप्लीकेशन देयर इज डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड ऑफ रिपीट एडिशन ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड एज टू कैलकुलेट द रिजल्ट मल्टीप्लीकेशन क्या होती हैं मल्टीप्लीकेशन किससे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन दो नंबरों के बारे में को सॉरी दो नंबरों के बार बार एडिशन के रिज़ल्ट का हिसाब किताब करने को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं यानी दो नंबरों को अगर हम बार बार प्लस करें और जब उसका आंसर आए तो उसको क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन शाबाश वेरी गुड for example there are four fish bowls and there are two fish in each bowl yahan pe hamare paas char fish bowls hain aur har fish bowl mein two two fish hain तो हमें कैसे पता चलेगा इन सब में total fish कितनी है So, to get the total number of fish, we add the number of fish in all the four bowls. Yes. We add the number of fish in all the four bowls. We will write as 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to 8. राट टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू इजिकल टू एट हमने फोर बाउल से और हर बॉल्स में हाँ सॉरी हर बाउल्स में, में टू टू फीसती तो हमने क्या लिख लिया फोर टाइम टू लिखे क्योंकि फोर बाउल्स से और हर बाउल्स हर बाउल में इस बाउल में टू फीसती तो इसलिए हमने टू 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 प्लस टू प्लस टू प्लस टू इज इक्वल टू एट जब हमने लिखा जब इनको प्लस किया हमने टू फोर टाइम्स लिखा विद प्लस तो हमारे पास आंसर क्या आया क्या आया एट लेट अस यूज मल्टीप्लीकेशन सिंबल टू राइट द स्टेटमेंट दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन इट कैन बी रेड बाय Four multiplied by two is eight and twos are eight. Let's look at another example. There are three bird houses and there are five birds in house in each house. How many birds in all? हमारे पास तीन बर्ड हाउस हा। 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 है तीन बर्ड हाउसेस है और ईच बर्ड हाउस में फाइव फाइव गेट द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स, वी एड द नंबर ऑफ बर्ड्स इन ऑल द थ्री हाउसेस एज यू राइट फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव इजिकल टू फिफ्टीन हमारे पास आंसर क्या आया फिफ्टीन कैसे हमारे पास थ्री बर्ड्स हाउस थे और हर बर्ड्स में सॉरी तो हर बर्ड हाउस में कितने बर्ड्स थे फाइव फाइव तो हमने कितने बार हमारे हाउस बर्ड हाउस थ्री थे इसलिए हमने फाइव भी थ्री टाइम लिखा विद प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव किया तो हमारे पास आंसर क्या आया फिफ्टीन यस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव इज टू फिफ्टीन वेरी गुड as यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड 3 multiply 5 is equal to 15 3 multiply 5 is equal to 15 if you will write this way this way is called horizontal multiplication as you can see on the right side if you will write this way this will call वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन आई होप मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गई होगी कि मल्टीप्लीकेशन क्या होती हैं और हमें सिर्फ ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं आई होप जिनको नहीं समझ में आई होगी पहले वो आज उनको समझ में आ गया होगा तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम एक्सरसाइजेस करेंगे आई होप जिनको थोड़ी बहुत समझ नहीं आई वो तो कल से एक्सरसाइज हम करेंगे तो ज़रूर आपको उसमें समझ में आ जाएगा तो, तो क्लास मुझे इजाज़त दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाफिज़